Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। महागठबंधन से निकाले जाने के बाद कांग्रेस बिहार की सियासत हाशिए पर है। 2021 के तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव के बाद 2022 में हुए बुचहा उपचुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन दयनीय रहा। इस परिस्थिति में कांग्रेस को नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। सूत्रों की माने तो बिहार में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर के मार्गदर्शन में कन्हैया कुमार को मिल सकती है। अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही कांग्रेस को कन्हैया से काफी उम्मीद है। आइए पांच कारण आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस कन्हैया को अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। मोदी विरोध का बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहली बार भाषण देकर चर्चा में आए थे। कन्हैया कुमार मोदी विरोध का एक बड़ा चेहरा है। कन्हैया की अपनी एक पहचान है और अगर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कन्हैया को मिलती है तो इसका बड़ा फायदा कांग्रेस को होगा। लाजवाब भाषण शैली, कन्हैया अपनी लाजवाब भाषण शैली के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं और ऐसे में अपने भाषणों के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में कन्हैया कामयाब हो सकते हैं। जमीनी युवा नेता की छवि, कन्हैया ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है। वो किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ऐसे में जमीनी युवा नेता कन्हैया कुमार प्रदेश के बड़े युवा नेता जैसे चिराग, तेजस्वी, मुकेश सहनी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। धर्म निरपेक्ष छवि, कन्हैया कुमार का बैकग्राउंड CPI का रहा है। वे JNU के आंदोलन की उपज है। वो बेगूसराय में भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसलिए कांग्रेस की नज़र कन्हैया के बहाने राजद से जुड़े मुसलमान वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने की है। बिहार में मुसलमानों का वोट बैंक 16% है। सवर्ण वोट बैंक, हाल के दिनों में माना ये जा रहा है कि सवर्ण वोट बैंक BJP से नाराज है और RJD की तरफ खिसक रहा है। ऐसे में अगर कन्हैया बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो भूमिहार जाति से आने वाले कन्हैया के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से 1990 से पहले वाले अपने दौर में जाकर सवर्णों को अपने पाले में करने की कोशिश कर सकती है। कन्हैया के पक्ष के तो कई पॉइंट्स हैं। देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान का आखिरी फैसला क्या होगा।